ये कोई नहीं जानता कि मौला कब तशरीफ लाएंगे, लेकिन ये हतमन है कि जैसे जैसे रोज बरोज हालात में तगैयुरात आ रहे हैं, तब्दीलियां आ रही हैं और बड़ी तेजी के साथ जमाना बदल रहा है, तो ये यकीन है कि मौला का जहूर भी नजदीक ही है और अनकरीब हम उनकी आवाज को सुनेंगे। अब ऐसे वक्त में कि जब हमारे पास कोई सद्दबाब ना हो, तो नहजुल बलागा में मौला मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब के ये कौल अगर हमें याद रहे कि जिस शख्स के पास चार चीजें हैं, यानी कि अगर उसके पास दुआ का सहारा मौजूद है, अगर उसके पास तौबा की तौफीक मौजूद है, इस्तग़फार का सलीका मौजूद है और शुक्र का तरीका मौजूद है, तो वो कभी भी खाली तही दामन नहीं रह सकता। यानी कि ये चार चीजें ऐसी हैं कि मुश्किल आ जाए तो ये हर हाल में खुदाए करीम पर वाजिब हो जाता है कि अगर कोई दुआ करता है तो उस पर वाजिब है कि अपने बंदे की तलब को कबूल करे। और फिर वो मुमकिन है कि जो आज हम मांग रहे हैं और कभी वो हमें देता है और कभी वो उसको उठाकर रख देता है कि इससे ज्यादा का अजर मैं इसके मांगने पर दे दूंगा, इसे बाद में इसका अजर मिल जाएगा। दूसरी तौबा का, कि जब इंसान गलती कर देता है और जब उससे तौबा करता है तो परवरदिगार अपने बंदे की तौबा को कबूल करता है और उसे माफ करता है। और इस्तग़फार, जब कोई उसकी बारगाह में इस्तग़फार करता है तो उस पर वाजिब है कि अगर कोई किसी से माफी मांग रहा है, तो जब दुनिया में अगर हम किसी से माफी मांगते हैं तो फिर अगले के ऊपर अगर वो रऊनत दिखाए और माफ ना करे तो वो मुतकब्बरीन में से हो जाता है। तो खुदा तो पसंद करता है कि उसका बंदा उसकी बारगाह में आए, उससे तौबा करे। तो आज के जमाने में बहुत सारी बातें ऐसी हमारी जिंदगी में हो जाती हैं कि जिसमें हम खताकार हो जाते हैं, तो दुआ के जरिए से हम परवरदिगार की बारगाह में तौबा हमें परवरदिगार अता करता है, और जब इस्तग़फार करते हैं तो खुदाए करीम इस्तग़फार करने वाले के गुनाह को माफ करता है और उसकी इस्तग़फार को अपनी बारगाह में कबूल करता है। तीसरी चीज, चौथी चीज ये कि जब इंसान शुक्र करता है तो खुदाए करीम कि जो अपने कलाम में कहता है कि जो ज्यादा से ज्यादा शुक्र करेगा हम उसकी नेमतों में इजाफा कर देंगे, तो वो परवरदिगार अपने बंदे को अता करता है।